देखिए यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही बात हिमाचल मुख्यमंत्री ने कही थी कि वहाँ पर ओपी लागू ही नहीं हो पा रहा है। मुझे जाना पड़ा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, वहाँ जाके मैंने बताया कि खाली घोषणा नहीं हुई है, लागू ही हो गई वहाँ, तो लोगों को पैसा मिलने लग गया है। जो लोग लेट स्टेशन आते हैं एक ज़्यादा होती है, रिटायरमेंट होने लग गया उनका 1 जनवरी 2004 के बाद में, और वहाँ पैसा मिलने लग गया है ओ पी एस का। तो ये जो भ्रम फैलाते हैं इनकी फितरत है। ये बीजेपी हमेशा झूठ बोल के अपना काम चलाती है। आप उनको पूछिएगा भाई आपने कहाँ से खबर लेके आया, बताइए हम लोगों को। हम दावा करते हैं जो हमने कहा वो सब लागू हो रही है वहाँ, ये हमारा दावा है और ये हमारी खासियत भी है, जो कहा वो हम करके दिखा रहे हैं। सर बीजेपी ने आज पीएससी में मैनिफेस्टो जारी करा है, बीजेपी ने आज कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी करा, वो लगातार फ्री का विरोध करती आई और अब आज फिर 3 सिलेंडर फ्री कर दिए, तो ये कौन सी राजनीति है? देखिए ये सरकार बहुत बदनाम सरकार है, घबराई हुई सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा घबरा गए भाई, सब काम छोड़ के अप एंड डाउन करेंगे वो 10 दिन तक। उनका अप एंड डाउन जानते हम, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर सारा काम। अरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद किसे कहते हैं, गृह मंत्री किसे कहते हैं, पूरे देश की समस्या उनके सामने होती है। पूरी दुनिया के देश, पूरे मुल्क के दुनिया में विदेश नीति भी होती है, समस्याएं आती है, छुड़ान वाली समस्या। तो प्राइम मिनिस्टर का काम तो सब तरह का होना चाहिए ना, उनका काम जो उनकी फितरत में प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके अमित शाह की फितरत से चुनाव जीतना है। तो नगर निगम का क्यों नहीं हो, हैदराबाद में देखा आपने रोड शो करे हमारे गृह मंत्री जी और पीएम भी वहाँ जा रहे हैं, जिले के अंदर रोड शो में नहीं गए पर जिले में ले गए, मैसेज आना चाहिए देखो हम कितना इंटरेस्टेड है। इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस एक नया पैदा हुआ है, चुनी सरकारों को होस्टेडिंग करके गिराओ। कर्नाटक उदाहरण है आपका, महाराष्ट्र उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, राजस्थान में पूरी उन्होंने ताकत ठगा ली, करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए, वहाँ पैसा उनके डूब गया। बीजेपी के पैसा राजस्थान में डूबा है, बड़ा सरकार गिरी 3 जगह पर, गोवा में और मणिपुर में जो है पैसा डूब गया है, ठीक कह रहा हूँ मैं, पैसा वापस नहीं लिया हूँ, इतना देने वाले हो गए। बर्बाद करके रहेंगे और देशवासियों को और प्रदेशवासियों को समझ जाना चाहिए कि वक्त आ गया है। आज पत्रकार साहित्यकार लेकर जेलों में बंद हैं सिर्फ इसलिए कि आपने आलोचना क्यों ले दी आपने। आलोचना तो लोकतंत्र में एक प्रकार ऑर्नामेंट है, उस रूप में मानना चाहिए कि अगर आपके कोई आलोचना करता है तो गवर्नेंस पार्टी जो होती है उसको सीखने का मौका मिलता है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, होता मामला है, देश थोड़ी हो आप तो। इसलिए ये जो आप सिविल कोड की बात करते हो, गवर्नमेंट सिविल कोड की बात करते हो, पहले एन ए लाए थे, पहले सी ए, उसका क्या हुआ, सी ए लाए थे, क्या हुआ, एनआरसी लाए थे, कितना होगा मुझे ना गृह मंत्री जी ने, मैं करते रहूँगा, अब उनकी बोलती बंद हो गई है। उनको
बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वापस बीजेपी वाले, और क्या कहेंगे वो, ये कहेंगे वो, परंतु आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, जो परसर बना हुआ है यहाँ पर, जो सुनता हम लोगों से, उसे लगता है कि जा रहे हैं, और इसलिए भी जा रहे हैं कि एक कावज बनी 40% यहाँ पर, 40% आप बताइए, तो कावज क्यों बनी है? कावज ऐसे नहीं बनती, पब्लिक बना दिए कावज है। इतना करप्शन तो बहुत कम जगह होता है, जहाँ 40% पहुँच जाओ आप, तो क्या बचता बताइए। आप राजस्थान के हैं यहाँ की? मैं हूँ यहाँ की, लेकिन हूँ राजस्थानी। जी, पर आप यहाँ वालों को बोलने दीजिए पहले, बताइए बताइए। जी अशोक जी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह से हिमाचल में सरकार बनाने में आप कामयाब रहे, तो क्या वही स्कीम जो है आप कर्नाटक में भी लागू करेंगे? क्या उसे घोषणा पत्र में जगह मिलेगी कांग्रेस के? नीतीश कुमार जी बार बार बोल रहे हैं, उनके मायने क्या है? जो हमारे पीसी जी बोलते हैं, हमारे पीसी जी साहब बैठे हैं गोविंद दुधासा जी, ये जो बात बोल देते हैं हम, सरकार उसको मानती है, तो पीसी फ्रंट का आदेश चलता है हमारे यहाँ। तो जैसे AIC जैसे इसका आदेश चलता है प्रदेशों में, पीसी